तो आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां नीचे ले आता हूं, तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक एक्स एक एक्स कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास देखना, टू वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, क्योंकि ये वाई बाई एक्स की फॉर्म में है। अगर आपको फिर भी भरोसा ना हो रहा हो तो वही सिंपल सा फंडा है, वाई की जगह लेमडा वाई पुट करके देखो और एक्स की जगह लेमडा एक्स पुट करके देखो, और फिर से अगर मेरे पास सेम डिफरेंशियल इक्वेशन वापस से आ जाए तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, और अदरवाइज आपको दिख रहा है कि ये y by x की फॉर्म में है तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब देखना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम लोग y by x को v अज्यूम करते हैं, तो मेरे पास y क्या हो जाएगा vx हो जाएगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से मेरे पास dy by dx क्या हो जाएगा समझना, ये हो जाएगा v plus x dv by dx। बिल्कुल सही, तो यहां पुट करते हैं हम लोग v plus x dv by dx इज इक्वल टू टू भी प्लस भी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स डीवी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां से देखकर टू भी माइनस भी यानी कि भी और प्लस भी स्क्वायर। अब हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास डी भी बाई भी प्लस भी स्क्वायर, और यहां डी एक्स बाई एक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास डी भी बाई, अगर हम लोग यहां से वी कॉमन ले तो भी भी प्लस वन, और यहां डी एक्स बाई एक्स। अब इंटीग्रेट करने की बारी है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा मेरे पास लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को मैं सी ना लिख के लॉग से लिखता हूं, बाद में बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया। अब इस साइड कैसे इंटीग्रेट करें, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ना होगा। कैसे, हम लोग 1 बाय बी बी प्लस 1 को ए बाय बी प्लस बी बाय बी प्लस 1 में तोड़ सकते हैं, तो यहां से मेरे पास देखना 1 बाय बी बी प्लस 1 क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए प्लस बी बी और नीचे बी बी प्लस 1, तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास ए प्लस बी जीरो हो जाएगा और ए की वैल्यू वन हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, ए प्लस बी जीरो क्यों, क्योंकि देखना ये क्या है ए भी प्लस बी भी यानी कि ए प्लस बी इंटू भी, और यहां पे भी का कोई भी टर्म है ही नहीं यानी कि जीरो इंटू भी है यहां पे। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी यहां से आ गया। अच्छा यहां पे कौन सा कॉन्स्टेंट है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ वन ही एकमात्र कॉन्स्टेंट है, और यहां पे ए ही सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कॉन्स्टेंट है, तो यहां से मेरे पास ए इक्वल टू वन हो गया। अब ए इक्वल टू वन आने के बाद यहां से मेरे पास बी क्या हो जाएगा माइनस ए यानी कि बी हो जाएगा मेरे पास माइनस वन, तो यहां ये हो जाएगा मेरे पास वन बाय भी भी प्लस वन किसके बराबर ए बाय भी यानी कि वन बाय भी प्लस बी बाय भी प्लस वन यानी कि माइनस वन बाय भी प्लस वन। तो इसकी जगह हम लोग दिस इंटू डी भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोग अगले पेज में लिखने वाले हैं और फिर आगे सॉल्व करने भी वाले हैं। यहां तक आने के बाद हम लोगों ने ये पुट कर दिया और ये मेरे पास फाइनली आया। अब इसको इंडिकेट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास लॉग भी माइनस लॉग वन प्लस भी और यहां लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब हम लोग लॉग की दो प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, पहली प्रॉपर्टी लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, और दूसरी प्रॉपर्टी लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी। पहली प्रॉपर्टी का यूज हम लोग इस साइड करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास लॉग बी बाई वन प्लस बी, और यहां हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या है लॉग ए बी, तो यहां लॉग एक्स प्लस लॉग सी क्या हो जाएगा लॉग एक्स सी। अब कंपेयर करने की बारी है, अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहां से मेरे पास भी बाय वन प्लस भी क्या हो जाएगा एक्स सी के बराबर। अब भी क्या था मेरे पास वाई बाय एक्स था, तो यहां वन प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स सी, तो मेरे पास वाई बाय एक्स और यहां एक्स प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स सी हो गया। एक्स एक्स कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो यहां मेरे पास वाई बाय एक्स प्लस वाई एक्स सी के बराबर आ गया, तो यहां से मेरे पास वाई क्या हो जाएगा देखना एक्स स्क्वायर इंटू सी प्लस वाई एक्स सी। ठीक है, बराबर है, बराबर मतलब सही है ना, एकदम सही है। बस आंसर में क्या है इसको सिंप्लीफाई करके नहीं दिया गया, आंसर दिया हुआ है सिंपली सी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, तो अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, वैसे आंसर ये है, तो भाई यही लिखो, इसके बाद ही ये स्टेप होगा, तो आंसर यही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। अब 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13th नंबर क्वेश्चन है, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और बाई में एक्स स्क्वायर, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर को नीचे ले गया। अच्छा, तो डी वाई डी एक्स यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये तो मेरे पास वन हो जाएगा, यहां एक एक्स एक एक्स कट जाएगा, यहां हो जाएगा मेरे पास वाई बाई एक्स और यहां हो जाएगा मेरे पास वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर,
और इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये वाई बाई एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, अब अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं वाई बाई एक्स को वी एज्यूम करता हूं, तो y क्या हो जाएगा मेरे पास bx हो जाएगा। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास dy by dx क्या हो जाएगा v plus x dv by dx चेन रूल से। तो ठीक है भाई, यहां पे हम लोग dy by dx की जगह v plus x dv by dx पुट करते हैं, और यहां मेरे पास क्या हो जाएगा 1 plus b plus b square। इस b से ये भी कट गया। अब देखना यहां हो जाएगा dv by 1 plus b square is equal to dx by x। मैंने सिंपली वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। अब इंटीग्रेट करने की बारी है, इंटीग्रेट करेंगे तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स v, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास log x प्लस कॉन्स्टेंट। अब भी क्या था मेरे पास, भी था मेरे पास y बाई एक्स, तो यहां हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c। यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन है, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास y स्क्वायर बाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या विचार है तुम्हारा इसके बारे में? सर इसमें तो मुझे ना ही वाई बाई एक्स की फॉर्म में दिख रहा है, ना ही एक्स बाई वाई की फॉर्म में दिख रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, इस वाई स्क्वायर को नीचे ले जाते हैं, तो मेरे पास यहां से dy by dx क्या हो जाएगा, देखना 1 by xy by y square minus x square by y square। तो ये हो जाएगा 1 by, देखना एक y से एक y कट जाएगा, यहां हो जाएगा मेरे पास x by y minus x by y का whole square। अच्छा, तो फाइनली मेरे पास यहां से dy by dx क्या आ गया, 1 by xy y minus x by y का whole square। क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताओ? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपसे बाद में पूछूंगा, इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है? हाँ भैया, बहुत अटपटा लग रहा है, क्योंकि यहां पे x by y है और यहां dy by dx है, कुछ जम नहीं रहा। एक काम करते हैं, इसको पलटते हैं। ठीक है, तो पलटने के बाद यहां हो जाएगा मेरे पास dx by dy और यहां हो जाएगा x by y minus x by y का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो दिख रहा है क्या? हाँ दिखना चाहिए। क्या अब बताओ, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि ये x by y की फॉर्मेट में है। क्योंकि जो भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन x by y या फिर y by x की फॉर्मेट में होता है, उसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन अब की बार हम लोग y by x को v एज्यूम करने की जगह x by y को v एज्यूम करेंगे, और यहां से मेरे पास x क्या हो जाएगा, y भी हो जाएगा। फिर हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास dx by dy क्या हो जाएगा, भी प्लस y dv by dy। ठीक है, एकदम क्लियर है? तो बस अब पुट कर लेते हैं अगले पेज पे। अच्छा, यहां मेरे पास क्या था, यहां पे मेरे पास RHS में था x by y minus x by y का होल स्क्वायर, लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने x by y को v एज्यूम कर रखा था, इसलिए मैंने यहां पे v minus b स्क्वायर लिख दिया, तो इसको हटा देते हैं। अब देखना इस v से ये भी कट जाएगा, हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास dv by v स्क्वायर और यहां हो जाएगा मेरे पास minus dx by x। ठीक है, अब इस माइनस साइन को हम लोग इधर ही भेजते हैं, तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब देखना इंटीग्रेट कर लेते हैं, इधर तो हो जाएगा मेरे पास लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट और यहां हो जाएगा माइनस टू थाई माइनस वन बाई वी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास वन बाई वी क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब भी क्या था मेरे पास, यहां पे मेरे पास भी क्या था, एक्स बाई वाई था, गलती से वाई बाई एक्स में कर देना, तो भी क्या था x by y था, तो x by y और वो y ऊपर चला जाएगा, तो यहां y आ जाएगा इज इक्वल टू log x plus c। तो यहां से मेरे पास y क्या हो जाएगा, log x plus c into x। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है x dy by dx minus y is equal to 2 under root of y square minus x square। अच्छा, तो इस y को हम लोग उस साइड भेजते हैं, तो ये माइनस वाई क्या हो जाएगा, प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां मेरे पास x dy by dx क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस y। ठीक है, अब dy by dx क्या हो जाएगा मेरे पास, देखना यहां से 2 अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर by x और प्लस में y by x। मैं इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आता हूं, तो ये मेरे पास हो जाता है। अब देखना, अब एक काम करते हैं, यहां तो dy by dx ही होगा और यहां 2 होगा ही। अब
अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहां होगा ही, लेकिन इसको हम लोग लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं, और प्लस वाई बाय एक्स। तो यहां डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस में यहां वाई बाई एक्स। अब देखना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब यहां मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास टू अंडर रूट ऑफ वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई बाई एक्स। अब क्या ये तुम्हें ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है? हाँ दिखना भी चाहिए क्योंकि ये y by x की फॉर्म में है। अच्छा इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अच्छा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि हम लोग y by x को v assume कर ले, तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो यहां मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहां हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। और यहां टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वन, पर यहां प्लस में भी, वी से भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखना हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा डी वी बाई टू रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वन और यहां डी एक्स बाई एक्स। अब इंटीग्रेट करने की बारी है, तो यहां तो मेरे पास सिंपली लॉग एक्स हो जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट भी डाल दो, लेकिन इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे चलना होगा अगले पेज पे, क्योंकि इस पेज पे मेरे पास जगह नहीं बचा हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने से पहले मैं आपसे एक फॉर्मूला जानना चाहूंगा जो कि हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है मेरे पास लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा अगर आप लोगों को ये पता है तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। हाफ बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ चुका है, जहां पे एक्स की जगह वी है और ए की जगह वन है? तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास, हाफ लॉग एक्स यानी कि वी प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर यानी कि वन, ठीक है। तो एल एच एस में मेरे पास हाफ लॉग वी प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वन आ गया है। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग हाफ लॉग वी प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वन और यहां लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब भाई कॉन्स्टेंट ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, कॉन्स्टेंट को हम लोग लॉग सी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्स्टेंट के अलावा बाकी सब कुछ अगर लॉग में है तो कॉन्स्टेंट को भी मुझे लॉग में ही लिखना चाहिए ताकि मेरे पास बुक का दिया हुआ आंसर आ पाए, ठीक है। वैसे कांस्टेंट को सी लिखने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो भी सही है, लेकिन बुक इस आंसर से अगर मैच करना है तो मुझे कांस्टेंट को लॉग के टर्म में ही लिखना होगा, अगर कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सब कुछ लॉग में हो तो। अब देखना इस टू को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस टू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मेरे पास लॉग वी प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा, टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब मुझे लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी। तो यहां लॉग एक्स प्लस लॉग सी क्या हो जाएगा, लॉग एक्स सी और यहां इंटू में टू। अब हम लोग बी की वैल्यू यहां पुट करते हैं, बी क्या था मेरे पास, वाई बाई एक्स था, तो वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखना मेरे पास लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, ए इंटू लॉग बी बेस सी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी की पावर ए बेस सी। ये जो मल्टीप्लाई में होता है ना, ये कूद के चला जाता है बी के पावर में, ठीक है। तो यहां सेम यही काम होगा, यहां हो जाएगा लॉग एक्स सी का होल स्क्वायर, ये टू कूद के इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के पावर में आ जाएगा। अच्छा और यहां हो जाएगा मेरे पास लॉग y बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। अब देखना अगर हम लोग कंपेयर करें और अगले पेज में इसको लिखें तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास। अब देखना हम लोग x एलसीएम लेते हैं, यहां क्या हो जाएगा y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि एक्स क्यूब इंटू सी स्क्वायर। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है।